Assalamu guys, my name is Kamran Ali Khan, along with my co-host Sarmuj Junaid Khan Niazi, bringing you with another episode of Common Success. Thank you so much guys for all the love and support you're giving to us, and don't forget to like, share and subscribe on our YouTube channel. Don't forget to follow us on Facebook and Instagram for interesting content. So today's guest is someone who has an experience of working in different ventures, and she recently came up with her own brand known as MKY. Basically, she sells artificial jewelries online, and I was recently looking at her Facebook and Instagram profiles, and the work she's done is quite amazing. And it's going to be really interesting to see her work and, you know, hear about her success story. So without any further ado, please welcome Maria Khan Yusufzai. Thank you so much, Maria, आपका आने का यहाँ पे टू आर कॉमन सक्सेस एपिसोड. और जैसे कॉमन सक्सेस थोड़ा सा रफली मैं आपको बताता हूँ, इट्स अ प्लेटफॉर्म वेयर वी आर शेयरिंग सक्सेस स्टोरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. हमारा मकसद ये है कि हम लोग इंस्पायर करें द यूथ ऑफ टुमारो वांट टू टेक एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर. और हमारा मकसद बेसिकली ये है कि उनकी जर्नी ऑफ सक्सेस, उन्होंने किस तरह से स्टार्ट किया है और क्या क्या उन्होंने चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज का सामना किया अलॉन्ग द वे, और जिस मुकाम पे वो आज पहुंचे हुए, बेसिकली वो एक हम एक स्टोरी जानना चाह रहे हैं उनसे, ताकि लोगों को भी नजर आए, लोग भी उसको समझें कि बहुत एक मुश्किल जर्नी होती है किसी भी स्टार्टअप ओनर के लिए कि मतलब वो स्टार्ट करे अपना बिजनेस और इस मुकाम तक पहुंचे. सो समर, वुड यू लाइक टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल. अस्सलाम वालेकुम मारिया, क्या हाल है आपका? ठीक है वैसे? ठीक ठाक, बिल्कुल. अच्छा, वैसे कामरान ने तो थैंक यू कर दिया, तो मैं भी एक बार थैंक यू कर लेता हूँ आपको आने का. बहुत थैंक यू है आप आए हैं. और वैसे बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट कामरान ने भी इंट्रोड्यूस कराया सारा, कि हम एंटरप्रेन्योर्स को और स्टार्टअप्स को पकड़ते हैं और उनकी जो स्टोरीज हैं, जो उनकी सक्सेस स्टोरी है बेसिकली, जो स्ट्रगल उन्होंने की है और जो उन्होंने सारा काम किया है, उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं. कि क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज़ नो प्लेटफॉर्म लाइक दिस जहाँ पे हम मतलब उनकी एक स्टोरी आगे आए. लोगों को नहीं पता, मतलब काफ़ी लोग हैं जिन्होंने बिजनेस शुरू किया बट उनको नहीं पता कि हैं कौन. तो ऑडियंस को भी नहीं पता जैसे मारिया मारिया यूसुफ़ज़ई कौन है. ठीक है, तो व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस योर ओन सेल्फ मारिया, कि आप बेसिकली हैं कौन? अच्छा, सो आई एम एन एलएससी ग्रेजुएट. आई एम ऑलमोस्ट 23 इयर्स ओल्ड एंड आई एम अ वेरी डेडिकेटेड, वेरी पैशनेट पर्सन व्हेन इट कम्स टू द थिंग्स दैट आई केयर अबाउट, द थिंग्स दैट I want to achieve, whether it's my goals, aims, ambitions. Yeah, that's pretty much about it. Yeah, that's pretty much. मतलब इससे पता ही चलता है कि मतलब काफी hard working and you're dedicated towards your work. मतलब कि knowing that कि आपके सामने कोई भी मतलब चीज हो तो you do it with full potential, जबरदस्त. तो थोड़ा सा अपने startup के बारे में, obviously when I was looking at your Instagram and Facebook profile MKY, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं. और हर लड़की को बहुत शौक होता है ज्वेलरी का, हर किसी को अच्छे लगने का शौक होता है. तो जब वो मेरे लिए ज्वेलरी लेके आती थी तो मैं उसको अक्सर ना तोड़ मोड़ के, जैसे होता है ना अंदर से कोई बस एक जोश सा होता है कि कुछ करना है, इसकी नई चीज बनानी है. बच्चों में ये बहुत ज्यादा इंस्टिंक्ट होती है, तो मेरे में था वो उसी ज्वेलरी को, चेन्स वगैरह को ना तोड़ के कोई नई से नई चीज बना के उसको पेश कर देना, की चेन बना लेना. Very young, तो ये neck pieces और bracelets और इन सब का शौक नहीं था, but keychains का बस शौक था और वो मैं बना लेती थी उसी jewelry को तोड़ मोड़ के. तो I personally believe कि जो आप बचपन में जो चीज़ें आप करते हो ना, वही qualities आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जब आप बड़े होते जाते हो, वही qualities आपके अंदर आ जाती हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर और पॉलिश हो जाती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको by the time you're an adult को नजर आती हैं. तो back in 2016 I started freelancing,
और फ्रीलांसिंग करते करते इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे मेरे। उसके बाद मेरा एक काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस भी था फ्रीलांस के ऊपर, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं कुछ अपना स्टार्ट करूं, या एटलीस्ट अपना स्टार्ट करने से पहले मुझे जो रिसोर्सेज, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो मुझे चाहिए, वो मैं लोकल क्लाइंट्स से पहले काम करके अर्निंग करके फिर मैं उसके बाद वो अर्निंग अपनी इन्वेस्ट करूँ। तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स से आई कन्वर्टेड टू लोकल क्लाइंट्स, और आई हैड अराउंड 3-4 क्लाइंट्स इन द बिगिनिंग। एक पिलाटस फिटनेस स्टूडियो था, एक माई स्माइल हमारा पाकिस्तानी एक ब्रांड है, बिल्कुल उसके बाद एक कुछ सैलॉन्स के लिए मैंने काम किया, कुछ क्लोथिंग ब्रांड्स वगैरह थे उनके लिए मैंने फ्रीलांस काम किया, और वो काम बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजेरियल टास्क वगैरह, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, इसके सब के टास्क से। तो फिर जो इस काम से जो मेरी अर्निंग थी, उस अर्निंग को मैंने इन्वेस्ट किया इन ज्वेलरी। शौक तो मुझे हमेशा से ज्वेलरी का था ही, तो एक प्लान भी था कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन, वेदर इट्स अ मेकअप लाइन, वेदर इट्स अ क्लोथिंग लाइन, वेदर व्हाट सो एवर इट इज, आई एम गोइंग टू स्टार्ट समथिंग दैट आई कैन कॉल माय ओन। तो इस तरह से फिर आई इम्पोर्टेड सम ज्वेलरी और चाइना से इम्पोर्ट की शुरू में, और उसके बाद से उसी ज्वेलरी के अंदर आई स्टार्टेड डूइंग दीज मॉडिफिकेशंस एंड कस्टमाइजेशंस। तो वो फिर मैंने इंस्टाग्राम का पेज बनाया लास्ट ईयर सितंबर में, अभी MKY को 1 साल नहीं हुआ, लाइक चलो अभी हाँ स्टेजेस पे बिल्कुल या तो इट हैज ऑलमोस्ट बीन अराउंड 9 या 10 months। तो उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड MKY, मुझे था कि शुरू में ऑब्वियसली आपको चेक करना होता है कि डिमांड कैसी है जो हमारी मार्केट है यहाँ पे। तो इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम अ ब्रांड दैट इज बेस्ड इन US, और वहाँ पे तो एक बिल्कुल एक डिफरेंट मार्केट है, एक डिफरेंट उनकी जो टारगेट ऑडियंस है, यहाँ पे एक बिल्कुल डिफरेंट हमारी मार्केट है सारी। तो हमारे यहाँ पे एक जो काफ़ी एक मेन इशू है ख़वातीन के लिए, वो ये होता है कि वी कांट अफोर्ड गोल्ड ज्वेलरी इफ़ यू वांट टू वेयर इट ऑन अ डेली बेसिस। अब यू आर गाइज, यू माइट नॉट बी फेसिंग सच इशूज और एनीथिंग ऑफ दैट सोर्ट, बट हमारे यहाँ ख़वातीन के लिए ये होता है कि हमने गोल्ड खरीदना है, गोल्ड जैसी कोई ज्वेलरी चाहिए, बट गोल्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, नॉट एवरी वन बिल्कुल गोल्ड। हाँ तो फिर ये हुआ, ये आइडिया आया कि क्यों ना जो ऐसी कोई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई जाए जो एक ऑल्टरनेट हो फॉर गोल्ड, और अफोर्डेबल भी हो, क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो। तो फिर ये था कि MKY की ज्वेलरी पीसेस जो हैं, दे आर ऑल आइदर स्टेनलेस स्टील और स्टर्लिंग सिल्वर, और वो मोस्टली इमिटेड ज्वेलरी ही है। तो वो आइडिया US बेस्ड एक ब्रांड से आया था, इंस्पिरेशन बिल्कुल वो थी और शौक अपना था, तो इट्स स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन अ ह्यूज सही लेवल। सही है, सही है, नहीं नहीं सही जबरदस्त, मतलब नोइंग दैट कि मैंने आपका MKY प्रोफाइल देखा है, मतलब इट्स लुक्स रियली गुड। मतलब आपने पता नहीं शायद मॉडल भी हायर किया फॉर द PR एंड मार्केटिंग एंड ऑल दैट, बिकॉज़ वो ज्वेलरी वगैरह की शूट्स वगैरह भी इस तरह से, मतलब नोइंग दैट कि 9 months सरमद हुए हैं, तो लगता नहीं है कि 9 महीने में से बहुत ज्यादा टाइम लगा होगा आपको ये चीज करते हुए। लेकिन मेरा सवाल इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी का है, नोइंग दैट कि हम लोग देखते हैं इसको नीश मार्केट है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग नहीं करते ऐसा काम जो है, तो रिसर्च वगैरह ऑब्वियसली आपने कहा यू वर इंस्पायर्ड बाय द US, मतलब एक बेस्ड फर्म की वहां से आपको इंस्पिरेशन मिली, तो पाकिस्तान में कोई है इस तरह के और आपके मतलब जो भी काम कर रहे हैं, और या इस तरह का काम करें, ऐसे डिफरेंट काम करें, इस तरह मार्केट है कैसी यहाँ पाकिस्तान में अगर इसको अच्छा, देखा। अभी रिसेंटली आई डिड कम अक्रॉस सम ब्रांड्स, कुछ ब्रांड्स थे जो कि अब इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन वो अभी अभी आ रहे हैं, ऐसे नहीं है कि दे वर एग्जिस्टिंग काफ़ी पहले से। हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है, ट्रेडिशनल ज्वेलरी लोग पहनते हैं, औरतें जो हैं वो देसी ज्वेलरी पहनती हैं, कोई ओकेजन बेस्ड ज्वेलरी होती है ना, आप हर रोज रोज मामूल में तो आप नहीं पहनते, कोई ओकेजन आ गया, कोई ईद आ गई, या कोई इस किस्म की कोई फेस्टिविटीज पे ही आप ज्वेलरी पहनते हो, और उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप देसी ज्वेलरी पहनो जो आपके कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। तो द एग्जैक्टली काइंड ऑफ ज्वेलरी दैट आई इंट्रोड्यूस्ड दैट इज वेरी कैजुअल वेयर ज्वेलरी,
इवन गाइस कैन वेयर इट. और मैंने लड़कों के लिए बकायदा एक कलेक्शन भी, एक सेपरेट लाइन भी एक लॉन्च की है क्योंकि तो शायद तुम्हें कोई अगर चीज चाहिए चेन हाँ वगैरह, मैं फर्मत को मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी चेन पहनी हुई है स्टेनलेस स्टील की, मैं अच्छा जो आई लोन कैन को सी करते इट हैं सिल्वर राइट. बिल्कुल सिल्वर, या सिल्वर तो मैं अगर फर्मत को चाहिए तो आप तुम्हें देख भी सकते हैं वहां पर जाके. नहीं अच्छा है, दैट्स गुड. बिल्कुल. मतलब आपने दोनों एस्पेक्ट्स को केटर किया है तो ये तो बहुत अच्छा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ नहीं ड्रेसअप वैसे देखा जाए. मैंने पूछना है, मतलब ये मुझे एकदम मतलब नई बात लगी है बिल्कुल, कि मेन ज्वेलरी मतलब वो कैसा एस्पेक्ट था, मतलब लड़कियों का वुमेन के लिए करना ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होती है ऑब्वियसली, आराम से बंदा सेल भी कर सकता है, मगर मेन ज्वेलरी वो बंदा कैसे हैंडल करता है, वो क्या एस्पेक्ट है उसका? हमें लगता है हम एज अ नॉर्मल पर्सन हम कहते हैं कि लड़के ज्वेलरी नहीं, ये कैसे हो सकता है. लेकिन ये ऐसे ही टबू सा बना हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है. लड़कों को काफी, लड़कों को ज्वेलरी स्पेशली. अच्छा ज्वेलरी में आई डोंट थिंक कि आपने पेज देखा है, हैव यू सीन द पेज. या बिल्कुल श्योर, मैंने पेज पेज देखे, मैंने दोनों देखे बिल्कुल नाम सारे जी. रखे हैं. सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ जी मैंने देखा था, बिल्कुल देखा था. तो हमारी ज्वेलरी में देर इज मोस्टली चेन्स, चेन्स इन्वॉल्व है. लड़कों को तो चेन्स काफी अच्छी लगती है, काफी प्रेफर करते हैं वो. तो अक्सर कोई अराउंड अब जैसे 60% खवातीन है हमारी ऑडियंस, उसमें 40% मर्द हजरात भी हैं जो कि. और नॉट ओनली सिल्वर, बहुत से ऐसे लड़के हैं जो आगे कहते हैं कि नहीं गोल्ड में ही चाहिए ये चीज. स्पेसिफिकेशंस भी देते हैं अपनी, मतलब ऑर्डर प्लेसमेंट हाँ भी. नाइस. बाकायदा अच्छा दिस स्पेसिफिकेशन इज भी होते हैं. मतलब आई न्यू के हाँ फॉर श्योर ज्वेलरी पहनते हैं, मतलब चेन तो नॉर्मल बिल्कुल, बट जब आप ज्वेलरी कहती है ना दैट साउंड्स थोड़ा एक डिफरेंट फेमिनिन बिल्कुल. साइड क्या चाहता है हाँ मतलब उसमें. उस तरह लगता है, बट आप जिस तरह आप स्केल बता रही हैं कि 60 to 40 का डिफरेंस है, इट्स नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, 20% का गैप आ रहा है बीच में, ठीक है, और वो काफी मतलब लोग हैं, ये तो मैं सरप्राइज हूँ, बट अच्छा है वैसे, गुड है मतलब इस हमारी जो तरह. फैशन इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री में काफी मर्द हजरात जो है हमारे वो यूज करते हैं. और शूट्स पे हमारे काफी जो एडिटोरियल शूट्स होते हैं उसमें काफी इस किस्म की ना, आप जो हमारे मॉडल्स वगैरह हैं दे ऑलवेज लुक फॉर समथिंग दैट इज न्यू, दैट इज ट्रेंडी एंड समथिंग दैट इज आउट देयर. तो बिल्कुल एंड अबव ऑल एक एक्स्ट्रा लुक क्रिएट करने के लिए ना, कि थोड़ा सा मेन स्ट्रीम से हटने के लिए. और ये जो चेन्स वाली ज्वेलरी और ये चेन्स वगैरह ये जो है, ये एक वेस्टर्न कल्चर ही है जो इस तरफ आहिस्ता आहिस्ता अब आ रहा है. ये हमारा अपना बिल्कुल कल्चर तो है भी नहीं, और हम लोग सारे बहुत इंस्पायर्ड हैं फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर. तो बिल्कुल 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 अमेरिका में अगर देखा जाए तो वो तो मतलब 5-6 चेने वैसे ही पहनते हैं गले पे अपने, वो इतनी मोटी मोटी चेने होती हैं वो जा रहे होते हैं, तो बड़ा अच्छा है या क्या. तो इन टर्म्स ऑफ आपको रिस्पॉन्स कैसा मिला हमारे, मैंने यू स्टार्टेड दिस मतलब वेंचर MKY, तो मतलब हाउ वाज द रिस्पॉन्स, मतलब जब आपने ये स्टार्ट किया तो डिड यू डू इट ऑन रेफरेंस बेसिस या किस तरह से, मतलब रिएक्शन, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस? रिएक्शन वाज अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट. अच्छा एक बात मैं ऐड करती जाऊं, द वेरी स्टार्ट वाजंट फ्रॉम ज्वेलरी, आई स्टार्टेड फ्रॉम हेयर एक्सेसरीज एंड स्टफ. तो हुआ ये था कि मैंने इसी तरह इंस्टाग्राम पे कोई ट्रेंडिंग एक्सेसरीज आई थी, नई नई हेयर एक्सेसरीज आई थी पर्ल्स वाली. तो वहाँ मैंने देखा कि इट्स वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग, और ये अगर मैं अपनी पाकिस्तानी मार्केट में लेके आऊँ, इंट्रोड्यूस करूँ, ये आइटम काफ़ी चलेगा. अब यू बीइंग अ नॉर्मल पर्सन, आपको भी आइडिया हो जाता है कोई चीज़, नई चीज़ देख के कि लोग अट्रैक्ट होंगे इस तरफ और इसकी डिमांड हो सकती है अच्छी खासी. तो मुझे इसी तरह ये आइडिया आया और मैंने वो पर्ल हेयर एक्सेसरीज जब लॉन्च की तो मुझे काफ़ी एक अच्छा रिस्पांस मिला. और काफ़ी लड़कियाँ जो थी देवर लाइक नहीं वी लव दीज एंड इट्स एन अमेजिंग आइडिया. उसके बाद दैट वाज इन जून आई थिंक. हाँ तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर एक ट्रेंड जब आता है तो वो एक ऐसी लहर होती है कि वो आती है बहुत एक पीक पे जाती है एंड देन इट जस्ट गोज एंड फेड्स अवे. तो वो एक इस किस्म का ही एक ट्रेंड था और चला, बहुत एक पीक आया और फिर वो आहिस्ता 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 वो ख़त्म हो गया, गायब हो गया. तो उसके बाद मुझे आइडिया आया कि ज्वेलरी का, जब मैंने ज्वेलरी स्टार्ट की तो द रिस्पॉन्स वॉज ग्रेट, क्योंकि मैंने आई प्रीवियसली वर्क इन द पीआर इंडस्ट्री.
तो पीआर इंडस्ट्री में आपको ये तो इवेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, सारे ब्रांड के जो लॉन्चेस होती है वो, और फिर आपकी जो फैशन इंडस्ट्री वो भी पीआर के साथ थोड़ी बहुत इंटरलिंक्ड होती है, जो फैशन में होते हैं वो उनको पीआर की भी जरूरत होती है, तो वो एक इंटरलिंक्ड सी है ना ये सारी इंडस्ट्री। तो इस तरह के लिंक्स और कॉन्टैक्ट्स तो काफी बन चुके हुए थे, तो मॉडल्स भी जो मैंने हायर किए हैं वो इसी तरह जान पहचान और लिंक्स के थ्रू ही। तो हुआ ये कि मैंने कुछ मॉडल्स कुछ शूट्स के लिए, एडिटोरियल शूट्स के लिए अपनी ज्वेलरी भेजी आगे जो फोटोग्राफर्स वगैरह थे, उन्होंने ऑब्वियसली शूट किया और वो द पिक्चर्स टर्न्ड आउट टू बी अमेजिंग। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वर्ड ऑफ माउथ ही होता है ना सारा मार्केटिंग का, तो एक काफी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये। बिल्कुल हाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो बात फैलती गई और वो मैसेज थोड़ा ज्यादा लोगों तक पहुंचा, तो अ लॉट ऑफ पीपल केम टू नो अबाउट MKY एंड द स्पेसिफिक चेन ज्वेलरी दैट वी हैव लॉन्च्ड, तो दैट इज इट, इट्स स्प्रेड लाइक फायर। आई एम लुकिंग एट द इंस्टा इंस्टा पेज राइट नाउ, फोन पे खोला हुआ है. एंड आई मीन द वर्क इज अमेजिंग. मतलब ये भी प्रोडक्ट आपका जो एक है, मतलब नहीं, आई ये लाइक क्या द वैसे मैंने नहीं एस्थेटिक्स. देखा वैसे, मैं अगर तुम नीचे मतलब तुमने स्क्रॉल डाउन किया होगा तुमने, बिकॉज़ आई डिडंट सी दिस काइंड ऑफ हाँ, प्रोडक्ट। नहीं, मैं पूरा देख रहा हूँ. एंड आई लाइक द वे, मतलब मॉडलिंग एंड एवरी प्रोडक्ट इज डिस्प्लेड इन वेरी एक ये मतलब डिफरेंट क्रिएटिव वे. मतलब ये नहीं है कि जिस तरह यूजली आप इंस्टाग्राम पे खोलते हैं और इस टाइप की चीजें होती हैं, तो आप सामने बस प्रोडक्ट पड़ा है, नीचे प्राइसिंग है, ये वो. नहीं, यू आर बेसिकली शोइंग द होल आर्ट. और ज्वेलरी आर्ट ही है ना एक, ठीक है, उसका एस्थेटिक है. अगर अगर आपने कुछ सिंपल ज्वेलरी भी रखी हुई है, तो उसकी सिंपलिसिटी आपने इस तरह शो कराई है कि उसकी वैल्यू क्रिएट हो रही है. एंड आई लाइक द आइडिया वैसे. और ये मॉडलिंग वाला एंड नाइस, वैसे गुड लक इस बात पे, तो काफी आपका वो काम चल रहा है, गुड वन. तो अच्छा, वैसे इसका हाँ ये है जी. कि द इंटायर फोटोग्राफी, द इंटायर एस्थेटिक, द इंटायर ग्राफिक डिजाइनिंग, बिल्कुल सारा कुछ मैंने अकेले ही किया। लाइक आई हैवंट बिल्कुल हैड अ सिंगल पर्सन, जो होता है ना कि हाँ फोटोग्राफर कोई और है या मेकअप आर्टिस्ट कोई और है, मेकअप से लेके स्टाइलिंग से लेके फोटोग्राफी तक एवरीथिंग आई हैव डन इट आई माइसेल्फ। बिलीव दैट्स द रीज़न आप इधर आई हुई हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप होती है ये, कि अकेले हाथ अकेले खड़े होकर बंदा हर बट चीज़ बनाता है, हर चीज़ करता है. और एट द एंड ऑफ द डे, मैं मतलब आप हैप्पी। देखो ना, मेहनत की वही बात है, जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट आपको मिलेगा. 9 months के अंदर अगर किसी ज्वेलरी बिजनेस ने इतना अपना मतलब पीआर बना के अपनी सेल्स कर ली है, आई डोंट बिलीव किसी ने इस तरह किया होगा. तो वैसे मतलब अगर हम देखें कि कोविड की सिचुएशन, क्योंकि कि आपने 9 months पहले आपने मतलब कोविड से होने से पहले ही आपने इनिशियली बस शुरू की, और फिर एकदम कोविड-19 आ गया, और फिर आगे मतलब ये अच्छा, प्रोसीजर चल रहे हैं. तो हाउ हैज दैट बीन, वो कैसे गुजरा सारा? द वेरी स्टार्ट ऑफ कोविड वाज वेरी डिप्रेसिंग, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ ना तो हमारी पाकिस्तानी अवाम जैसे सब सहम गए थे, डर के घरों में बैठे। शुरू में एकदम से तो नहीं लोग घरों में बैठे, शुरू में तो लोगों ने कहा कि इतनी वहम है और ऐसी ऐसा कुछ नहीं है। एकदम से जब वो एक लहर आई ना, कि जब वो चाइना में डेथ्स काफी ज्यादा हो गई थी, और फिर इटली में जब डेथ्स काफी ज्यादा, एक बहुत बड़ा नंबर जब वो सामने बिल्कुल आया, तो बिल्कुल हमारी पाकिस्तानी अवाम काफी ज्यादा डर गई थी और सहम सी गई थी। एवरीवन वाज जस्ट सिटिंग इन देयर होम्स प्लेइंग पबजी एंड जस्ट प्लेइंग गेम्स ऑन देयर फोन्स और सोशल मीडिया के ऊपर बस। तो उस टाइम पे मुझे ये डर था कि सब कुछ स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि शुरू में एक लॉकडाउन लगा था जब हमारी डिलीवरीज भी पॉज हो गई थी, और उन्होंने कहा था कि बस अब एक मंथ का लॉकडाउन है, ये काफी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। तब शुरू में आई डोंट थिंक कि स्मार्ट लॉकडाउन लगा था, उस टाइम सब कुछ बंद हो गया था और कोरियर सर्विसेज भी बंद हो गई थी, उनके बिल्कुल ऑफिसेज भी बंद हो गए थे, एवरीवन वाज वर्किंग फ्रॉम होम। यस आई रिमेम्बर दैट वेरी क्लियरली। तो उस टाइम बहुत इश्यूज थे, क्योंकि जब वो कोरियर सर्विस वाले सारे स्टाफ और ऑफिस वाले जितने भी बंदे थे वो घर बैठ गए थे, तो वो फिर घर से तो नहीं उस तरह से मैनेज हो पा रहा था, क्योंकि आपने उनको जो बताया इंस्ट्रक्शन दी है वो फिर घर में जो उनका, आई एम नॉट इवन श्योर कि ऑल ऑफ द स्टाफ हैड लैपटॉप्स और नॉट, क्योंकि ऑफिस में उनके जो पीसीज पड़े होते हैं उस पर तो वो काम कर रहे होते हैं, घरों में तो बिल्कुल हर किसी, हमारी जो थोड़ी सी लोअर क्लास है उनके पास तो हर किसी के पास लैपटॉप्स भी नहीं होते। तो
वो एक शुरू में एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी और फिर SOPs भी फॉलो करने थे, क्योंकि मुझे ये डर था कि कहीं ये ना हो कि ज्वेलरी के थ्रू या किसी पैकेज के थ्रू किसी को कोई जो वायरस है वो इन्फेक्शन ना कहीं तरह से ट्रैवल कर जाए. और ज्वेलरी का भी ये होता है कि मेरी ज्वेलरी आ भी चाइना से ली थी. हाथ नहीं लगा पाती थी पहले, मैं उसको पहले सैनिटाइज करूँ कि कहीं पिता ही कहीं कोविड ना पहुंच जाए घर में. तो काफी एक खतरनाक सी सिचुएशन. बट आई बिलीव अगर इस सिचुएशन के अंदर हम मतलब सीख लें बिजनेस को रन करना, तो आगे तो फिर ऑब्वियसली एक नॉर्मल सिचुएशन चल पड़ेगी इंशाल्लाह. मतलब होपफुली COVID-19 खत्म होता है तो उसके मुताबिक. आई एम काइंड ऑफ थैंकफुल, आई डोंट नो इफ आई शुड से दैट, बट मतलब काफी लोगों ने कहा भी है इस टाइप की सिचुएशन में कि दे वर थैंकफुल, मतलब अल्लाह माफ करे बट या दे वर. यू गेट टू फेस ऑल दीस हर्डल्स और ये स्ट्रगल एक अलग ही स्ट्रगल है. दूसरा, दिस वी आर मेकिंग हिस्ट्री ऑन अ सीरियस नोट. तो वो तो एक अलग ही स्टोरी है. दूसरा ये कि ऑनलाइन शॉपिंग वेंट लाइक वी हाई फ्रॉम एक्चुअली वो ई कॉमर्स मतलब पर्सपेक्टिव और ज्यादा हो गया आपका, मतलब फ्यूचर आपका सारा ई कॉमर्स पे शिफ्ट हो गया. अगर मतलब ऑनेस्टली अगर COVID-19 ना आता तो हम तीनों यहाँ पे बैठ के कॉन्वर्सेशन ना कर रहे होते. वो ये मतलब वो वाली सिचुएशन है कि एवरीबॉडी डिड समथिंग, किसी ने इनिशिएटिव लिया, किसी ने काम किया. एंड वही बात है कि कोविड से लोगों ने कमाया है. मतलब हम ये कहें नहीं, कोविड हम लोग कहते हैं ना कि कोविड में कुछ कमाया नहीं, लोगों ने कमाए हैं पैसे. वो खुश है इस बात है कि नहीं हमें कोविड वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस, नोइंग दैट कि हमारा बिजनेस मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गया. एग्जैक्टली. तो ये चीज है. वैसे आप हमारी रिसेंटली यू आर बिजी विद द ईद एंड ऑल दैट, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? क्या आप ईद पे बहुत ज्यादा मतलब व्हाट आई मतलब आपको मैसेज भी किया, तो यू आर क्वाइट बिजी विद ऑल दैट स्टफ. So how was the experience? मतलब ईद का, बड़ी छोटी ईद का, clients वगैरह आपके पास आ रहे थे, and how was the experience like ईद पे अगर आप इस तरह मैनेज करें अपने बिजनेस को? अच्छा, हमारा MKY का ये होता है कि ईद भी वो हमारी ना कोई सेल लगती है, वो सेल भी ईद ही होती है, क्योंकि अच्छा. वो सेल के ऊपर सेल एक ऐसा एक वो नाम सुन के ऐसा एक जहन में आ जाता है कि ओ आई नीड टू गो एंड बाय समथिंग फ्रॉम दिस स्टोर, क्योंकि सेल लग गई है. तो एकदम से ना एक रिवर्स आता है ऑफ पीपल एंड कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स जिनको वर प्लेसिंग ऑर्डर्स, तो वो एक काफी एक प्रेशर सा आता है, स्पेशली फॉर समवन हु इज डूइंग इट ऑल अलोन. तो बिल्कुल, इट इज ऑलवेज वेरी टफ व्हेन देयर इज अ सेल गोइंग ऑन. नहीं, सही है, सही. मतलब आप किस तरह से देख रही हैं इन टर्म्स ऑफ वेयर यू सीइंग MKY? मतलब 9 महीने हो गए और माशाल्लाह जितनी आपको मतलब सक्सेस मिली है, एंड यू टॉक्ड अस कि आप डिफरेंट PR के साथ, डिफरेंट इवेंट्स के साथ आपने कोलैब किया है, ईद पे भी आपके काफी ज्यादा आपका काम अच्छा गया. तो वेयर यू सीइंग MKY मतलब इन द फ्यूचर? इंटरनेशनल तो नहीं सोचा आपको, सोचा भी इंटरनेशनल इसको लेके जाने आप क्या MKY? क्योंकि ये है ना बात कि जब मैं बाहर के ब्रांड्स देखती हूँ, उनकी प्राइसिंग देखती हूँ ना, दे प्राइस देयर प्रोडक्ट्स वेरी हाई. अब एग्जैक्टली द सेम आइटम दैट आई हैव, दे आई एम सेलिंग इट फॉर अराउंड $10, $15, मैक्सिमम $20-$23. दे हैव प्राइस्ड दोज आइटम्स एट अराउंड $80. ओके, नॉट इवन अ ह्यूज मार्जिन. मैं इस काम में हूँ तो मैं ऑब्वियसली उस पर अक्सर देख रही होती हूँ ना, कोई जो इस तरह के सिमिलर इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं अक्सर बहुत इन्होंने अपनी हाई प्राइसिंग रखी हुई होती है. वो इसीलिए क्योंकि एक तो इस तरह की इम्पोर्ट्स पे आपकी कस्टम ड्यूटीज आ गई काफ़ी ज़्यादा, अपनी शिपिंग भी अपनी सारी हैंडल करनी है, चार्जेस वगैरह, और उसके बाद जो वो चीज़ की अपनी जो वर्थ है, उसकी अपनी जो वैल्यू है, उसको भी आपने फिर मद्देनजर रखना है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द पैकेजिंग ऑफ दैट आइटम, जो आपने उसको किस तरह से आप भेज रहे हो लोगों तक, पैकेजिंग मैटर्स अ लॉट. अब मेरे आपने पेज को देखा है, उसमें 90% ऑफ द फैक्टर दैट इज इन्वॉल्व इज द एस्थेटिक्स. अब सिर्फ वो सोशल मीडिया पेज पे जो एस्थेटिक्स है वो तो अपनी जगह, उसके बाद आइटम किस तरह से आप पेश कर रहे हो और
कि पैकेजिंग आप किस तरह से कर रहे हो, उसमें जो एस्थेटिक्स इन्वॉल्व है वो सारा कुछ आपने देखना, और फिर उसकी जो कॉस्ट कहते हैं जिसको आप केटर करते हो वो उसमें इन्वॉल्व है. लेकिन इवन देन इंटरनेशनली मैंने बिल्कुल सोचा है इंशाल्लाह, अभी तो कोविड आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, फिर इंशाल्लाह एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल, तो इंटरनेशनली इंशाल्लाह. तो मतलब इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप का ये जो आप किस तरह से देखती हैं स्टार्टअप कम्युनिटी पाकिस्तान की, मतलब ये वैसे एक सवाल, मतलब ऑब्वियसली यू आर आल्सो एन ओनर ऑफ अ स्टार्टअप, आपके डिफरेंट मतलब वेंचर्स भी रह चुके हैं, कम्युनिटी किस तरह की देखती है इन द फ्यूचर नोइंग दैट कि लोगों ने बहुत कोविड में कुछ ना कुछ काम स्टार्ट किया है, तो वेयर यू सीइंग दिस, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर जो है पाकिस्तान का, इज इट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन नोइंग दैट कि हर बंदा अब ई कॉमर्स पे अब आ रहा है, तो किस तरह से आप इसको एनालाइज करते हैं सिचुएशन को? मतलब काफी टेक्निकल से सवाल मैंने पूछ लिया है, लेकिन अगर आप उसका जवाब अगर मतलब देना चाहें इसका. बिल्कुल, हम दोनों ही बिजनेस स्कूल से आए हैं, तो हम दोनों के इस किस्म के टेक्निकल सवाल के जवाब आए तो फिर किस काम के. तो अच्छा अब हाँ इन शोर शोर गो अहेड. अच्छा मैं कह रही थी कि आई डिड नोट के देर आर सो मैनी ब्रांड्स एंड सो मैनी पीपल हु आर नाउ ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक दिस, जो जिस नीश को हम कैटर कर रहे वो उसी किस्म का कुछ ना कुछ. और टू बी ऑनेस्ट आई वुड ओनली एक्नॉलेज दीज पीपल, वाई कज स्पेशली द गर्ल्स, क्योंकि आई माई सेल्फ बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट, तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारी जो लड़कियाँ जो घरों में बैठ के कुछ नहीं कर रही होती, आपके पास कोई स्किल है या कोई हुनर है तो आप उसको पॉलिश करो और आप उससे अपनी कोई अर्निंग बनाओ, इससे ज़्यादा और आपको क्या मौका मिल सकता है, क्या अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आर सेल फोन्स आर अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू बी ऑनेस्ट. आप इंस्टाग्राम खोलो, अपना स्किल या अपना जो भी आपको कोई हुनर है आपका, आप उसको मार्केट करो, यू कैन ईजिली अर्न अ सिक्स फिगर विद इन लाइक अ फ्यू मंथ्स. True, मतलब वही बात आती है, मतलब कि अगर आपके पास स्किल है और आप उसको अंडर यूटिलाइज करें तो वो भी आप अपने साथ भी ज्यादा करें, नोइंग फॉर फैक्ट के पोटेंशियल है, स्टार्टअप्स लोग कर रहे हैं. एंड आई थिंक इफ यू वुड एग्री विद मी कि पिछले एक दो सालों में लोगों ने बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स अपने रन किए, डिफरेंट वेंचर्स हो सकते हैं, मतलब कोई उनके पास आई टी आया एंड दे स्टार्टेड इट ऑफ, वो बात अलग है कि वो चले या ना चले दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट स्टिल दे टुक दैट इनिशिएटिव, मतलब ये नहीं है कि उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, उन्होंने किया स्टार्ट, तो वो एक एक अच्छा एक मतलब एक रिस्पांस मिला है. बाकी आपने अपनी स्टोरी के बारे में बताया, ऑब्वियसली वेयर यू स्टार्टेड इट ऑल, और आपने बताया कि यू वर इंस्पायर्ड बाय ज्वेलरी ब्रांड इन द यूएस, और आपको बचपन से भी काफी शौक था ज्वेलरी का, एंड हाउ एमकेवाई यू नो बिकेम सच अ ह्यूज सक्सेस, नोइंग कि उसको काफी शॉर्ट ड्यूरेशन हुई उसको स्टार्ट हुए हुए, तो इन योर ओपिनियन पूरा आपने डिस्कस किया सारा कुछ है, तो इन योर ओपिनियन व्हाट इज the meaning of success, matlab obviously you've tried every matlab everything nahi but you have still tried a few things, to aapki nazar mein success hoti kya hai agar aap se puche. Acha Kamran, for me to be honest I think success and happiness is linked together, kyunki aapko success tabhi milti hai na jab aap koi aisa kaam karte ho ya koi aisi cheez karte ho that makes you happy. And if there is something that makes me happy and I put my 100% in it, so it is guaranteed that I will get success from that certain thing. Because aapko ek cheez khushi de rahi hai aur aap usme apna 100% dal rahe ho, so you are going to provide people with the best thing that can be out there. Aur agar if you believe in that thing that you are making or in that startup of yours, आपकी जो विजन है उस विजन को आप एक तो आप उस विजन में बिलीव करते हो, दूसरा दैट विजन ऑफ योर्स यू आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इन इट, एंड वो क्या कहते हैं आपको खुशी भी दे रही है, आप पैशनेट भी हो उसके बारे में, आप अपनी डिटर्मिनेशन भी फुल टाइम लगा रहे हो, तो दैट इज़ व्हेन यू नो के यू आर सक्सेसफुल. उसके लिए आपको कोई बहुत आपका बैंक अकाउंट भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए वो भी ज़रूरी नहीं है, ना कि आप पूरी दुनिया को खुश कर दो या इस तरह का कुछ भी.
as long as you know that you're doing something that is making you happy, you're passionate about it, you believe in that vision of yours, you're successful. Well said. So any matlab Samad, you got any question last? नहीं, वो perfectly said हर चीज. मतलब जो story सुनी है और वो मतलब success की भी basically जो definition आपने दी है वो बहुत मजे की है. और काफी वैसे मैंने realize किया जितने हमने previous interviews भी लिए उनमें भी लोग यही कहते हैं, if you're passionate about something, if you're happy about doing something, then you're successful. It's not about the materialistic factors and not about money and wealth and that whole thing. But मैं वैसे believe, well, एक sorry बात अंदर डालूंगा कि कोई लोग होते हैं जो पैसे से खुश होते हैं. उसको कैसे डिफाइन करोगे? कैसे हाँ बिल्कुल होते हैं तो कहते हैं कि if you think that money does not bring you happiness or success, you're shopping in the wrong place. ऐसे लोग भी होते हैं. लेकिन पता है क्या, हर बंदे की एक तो अपनी परसेप्शन है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज है, और दूसरा आई वोंट से दैट दे आर मटेरियलिस्टिक. देखो You're living this life. Allah ने आपको मौका दिया, Allah ने आपको दौलत दी है, तो उसको आप use करो, utilize करो, और जितना आप कर सकते हो उतना आप करो. I won't say that is being materialistic, but अगर Allah की देन है ना, अगर Allah ने आपको दिया तो क्यों नहीं? नहीं, obviously बात वही है कि अगर वही चीज Allah ने दी तो उसको सही रास्ते पे लगाएं, ना कि गलत चीज आप करें उसका. बिल्कुल, very well said. I think success in her opinion means happiness. तो खुशी जब तक नहीं होगी तब तक तो मतलब सब कुछ हो जाए भैया. मुझे अगर इंटरनल एक फीलिंग ही नहीं है कि यार मैं एक सक्सेसफुल बन चुका हूँ या मुझे हैप्पीनेस मिल रही है, तो वो बंदे को वो कहीं ना कहीं दुख रहता है सारी जिंदगी यार, कि सब कुछ है लेकिन यार खुशी नहीं मिली. बिल्कुल, तो एक बात और ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यू बिकम सक्सेसफुल और आपके पास पैसा आ जाए और आप यू आर एट पीस. बहुत से ऐसे हमारे सक्सेसफुल लोग हैं. Even what was the name of the guy who came up with Apple? Why am I forgetting his name? Exactly. Steve Jobs. He died at after he took Apple to a very high level. और उस टाइम काफी famous saying भी थी. और वो मुझे मेरे वालिद साहब अक्सर याद कराते हैं. मुझे वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा आ जाए और आप सुकून से हो या you're at peace. आपकी हेल्थ नंबर वन होनी चाहिए प्रायोरिटी, और आपकी खुशी नंबर सेकंड जो प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए. नो मैटर हाउ मच मनी यू मेक इन दिस वर्ल्ड, इफ यू आर नॉट हेल्दी एंड हैप्पी, देयर इज नो यूज ऑफ दैट मनी एंड यू कांट डू एनीथिंग. एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल. हेल्थ एंड हैप्पीनेस मतलब आर लिंक टुगेदर इन सम सॉर्ट ऑफ वे. बट Thank you so much, Maria, for coming to our Common Success podcast session. I hope मैंने आपको ज़्यादा तंग नहीं किया, that you were quite busy with your schedule and all that. But still, thank you so much once again for coming to our channel and sharing your success story with us. And guys, don't forget to follow MKY on Instagram and Facebook. The links are going to be in the description below. And check out the work. मतलब काफी अच्छा काम किया हुआ है. And please, if you like some of her products as well, please do look at it or आप उसको buy करें. And guys, don't forget to like, share, and subscribe Common Success. Don't forget to follow Common Success on Facebook and Instagram. And thank you once again, Maria. Thank you so much. And take care. Allah Hafiz. Thank you for having me. Allah Hafiz.